दोस्तों, गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स और उनकी घात के अनुसार उनके वर्गीकरण यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हम बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यह उसके कुछ उदाहरण हैं। दिए गए व्यंजकों में एक्स, वाई और जेड को चर यानी वेरिएबल कहते हैं। इन चरों के साथ लगी हुई संख्याओं को गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स कहते हैं, और यह संख्याएं जिनका मान निश्चित है उन्हें हम अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं। और अब अगर हम इनके चरों की घातों पर ध्यान दें तो वह धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्न के रूप में हैं। और दोस्तों, बहुपद तथा व्यंजक में बस इतना सा फर्क है कि बहुपद में चरों की घात हमेशा पूर्ण संख्याएं ही होती हैं, जबकि व्यंजकों के चरों की घात कोई भी संख्या हो सकती है। हमें यहाँ एक बात पर ध्यान देना है कि सभी बहुपद व्यंजक तो होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। दोस्तों, दिए गए उदाहरण में बहुपद एक ही चर के रूप में है, और इस रूप वाले बहुपद को एक चर वाला बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहते हैं। क्या बहुपद दो या उससे भी अधिक चर के रूप में हो सकते हैं? जी हाँ, लेकिन उस प्रकार के बहुपदों को हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। एक चर वाले बहुपद को सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म में इस प्रकार दर्शाते हैं, जहां x को चर कहते हैं, an, an माइनस 1, a1 इत्यादि को गुणांक यानी कोएफिशिएंट कहते हैं, तथा a0 को अचर कहते हैं। बहुपदों को हम p ऑफ x, q ऑफ x या चर के अनुसार p ऑफ y, r ऑफ y या r ऑफ t, q ऑफ t से दर्शाते हैं। बहुपद में उपस्थित पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार बहुपद भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि एक पदी यानी मोनोमियल, द्विपद यानी बाइनोमियल, त्रिपद यानी ट्राइनोमियल इत्यादि। उसी प्रकार बहुपदों को उनके चरों की उच्चतम घात के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि चर की उच्चतम घात एक होने वाले बहुपद को रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, उच्चतम घात दो होने पर द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीन होने पर त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। दोस्तों, अगर आप इन बहुपद के सामान्य रूप को देखेंगे तो यहाँ कहा गया है कि a शून्य नहीं होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? अगर a शून्य हुआ तो बहुपद की उच्चतम घात एक से कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम त्रिघाती बहुपद के सामान्य रूप में a की जगह शून्य रखें तो उसकी घात एक से घटकर हो जाएगी द्विघाती बहुपद। उसी तरह द्विघाती हो जाएगा रैखिक और रैखिक हो जाएगा अचर बहुपद। मान लीजिए कि एक व्यंजक जिसकी घात शून्य है, जैसे कि 5 गुणे x घाते शून्य, तो क्या यह बहुपद होगा? ऐसी असमंजस की स्थिति में हमें हमेशा परिभाषा पर ध्यान देना चाहिए, जो कहती है कि किसी भी व्यंजक की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होता है, और शून्य एक पूर्ण संख्या है यानी यह एक बहुपद है। वैसे 5 गुणे x घाते शून्य में x घाते शून्य का मान एक होता है, यानी 5 गुणे x घाते शून्य होता है 5। इसका मतलब किसी भी संख्या को शून्य घात वाले बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अचर या संख्या को भी बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या शून्य, जो कि एक संख्या है, क्या यह भी बहुपद है? शून्य को हम शून्य गुणे x घाते शून्य या शून्य गुणे x घाते 3 या चर की किसी भी घात के रूप में दर्शा सकते हैं। इसलिए शून्य को हम शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी घात परिभाषित नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने क्या सीखा? अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।